नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से YouTube चैनल SP गुप्ता टेक में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वोडाफोन आइडिया पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी 2-3 दिनों से वोडाफोन आइडिया का शेयर के बारे में और वोडाफोन आइडिया कंपनी के बारे में काफ़ी सारी अफवाह फैल रही है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर काफ़ी गिर चुके हैं, वोडाफोन आइडिया कंपनी बंद होने के कगार पे है। तो मैं अगर इन सब चीज़ों पर आपको आज बताऊँगा कि ये सब बातें कितने हद तक सही है और कितनी बातें इसमें से झूठी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा वोडाफोन आइडिया के जो शेयर की बात है, तो वोडाफोन आइडिया के शेयर 3 दिन पहले बहुत ज़्यादा गिर गए थे, तकरीबन 38% शेयर गिर चुके थे। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज वोडाफोन आइडिया के शेयर 19% बढ़ चुके हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयर क्यों गिरे हैं इसके बारे में आपको सच्चाई बताता हूँ। वोडाफोन आइडिया के शेयर सिर्फ इसलिए गिरे हैं क्योंकि कुमार मंगलम बिरला जी जो कि इसके पार्टनर थे, उन्होंने यहाँ से अपने CEO पद से इस्तीफा दे दिया था। वो इसके जो डायरेक्टर थे यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव, उन्होंने यहाँ से इस्तीफ़ा दिया था, जिस कारण से काफ़ी सारे जो उनके शेयर होल्डर्स हैं उनको ये डर था कि वोडाफोन आइडिया कंपनी का क्या होगा, क्योंकि कुमार मंगलम बिरला जी पर भी काफ़ी सारे शेयर होल्डर्स का बहुत सारा विश्वास था कि कंपनी को आगे लेके जाएंगे। और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया जिस कारण से लोगों में ये लगा कि शायद हो सकता है कंपनी आगे अब इसमें इन्वेस्ट ना कर पाए और कंपनी आगे ना चल पाए। लेकिन जब वापस से वहाँ पर नए CEO की ज्वाइनिंग हुई है और कंपनी को वापस से बात हुई कि कंपनी वापस एस्टेब्लिश होगी, अच्छे से वर्क अब जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स थे उनका विश्वास वापस बना है और उन सभी ने वापस से इन्वेस्टमेंट जारी रखा, जिसके कारण इसके शेयर 19% एक ही दिन में बढ़ गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है वोडाफोन आइडिया के लिए। और अब मैं इसमें बात करूँगा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर की, तो यहाँ पर मैं आपको शेयर दिखाता हूँ। ये मेरे पास लाइव रिपोर्ट है आज 3:30 बजे तक की। ये आज की डेट में इसमें 19% का 19.33% इसके शेयर बढ़े, जो कि 1.15 रुपये होते हैं, जो कि 6 रुपये पहले इसका शेयर था कल तक, वो आज आपको 7.10 रुपये का हो गया है। अब मैं यहाँ पर आगे की बात करता हूँ। ये मैंने मनी कंट्रोल वेबसाइट पर इससे सर्च किया है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा भी हुआ है कि वोडाफोन आइडिया के शेयर 19% तक की तेज़ी आई। केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स कानून में संशोधन कर दिया है, मतलब इसको पूरी तरीके से अभी नहीं किया लेकिन इस पर बात चल रही है कि संशोधन मिल सकती है, इस पर राहत मिल सकती है, जो कि वित्त मंत्री जो हमारे यहाँ के निर्मला सीतारमण जी ने गुरुवार को लोकसभा में इस पर बिल प्रस्तुत किया था। और इसमें वही चीज़ें हैं जो AGR का जो पैसा काफ़ी सारा बकाया था टेलीकॉम कंपनियों पे, जो पुरानी कंपनियां थी, जिसके अंदर जियो कंपनी को हम शामिल नहीं करेंगे, शामिल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जियो कंपनी 2016 में आई थी, उस पर बहुत ही कम जुर्माना लगाया गया क्योंकि उसके पास जो पुराना बकाया था उस पर इंटरेस्ट नहीं लगा था। तो अगर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट की बात करूँ तो आइडिया और एयरटेल पर ही था, और आइडिया ही एयरटेल इन दोनों पर ही ज़्यादा टैक्स का ब्याज लगा हुआ था, और जो कि ब्याज लगा हुआ था वो गवर्नमेंट ने जो ब्याज लगाया था वो प्रॉपर तरीके से कंपनियों के अकाउंट से मैच नहीं हो रहा था। कंपनी ने जो अपना डेटा बनाया है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा उसमें नए और रूल्स ऐड करे थे, जो कि वो पहले उस समय नहीं थे वो रूल्स जो भी ऐड करे थे, जिसके कारण वो कंपनियों ने उसका पैसा ना तो पहले सोच के रखा था कि ये पैसा हमें देना है और ना ही उन्होंने अपने बैलेंस शीट में ऐड किया है। तो इस कारण से ये गवर्नमेंट ने अपने नियम में वापस से चेंजेस करे हैं कि जो गलतियाँ हुई उसको सुधारेंगे, और इसी कारण से वापस इसके शेयर में भी तेज़ी आई है। और वोडाफोन आइडिया के अब नए CEO हो चुके हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अभी जो वोडाफोन आइडिया के नए CEO हैं वो है हिमांशु कपाड़िया जी, जो कि पहले यहाँ पर रविंद्र ठक्कर जी थे और अब हिमांशु कपानिया जी हो गए हैं। तो वोडाफोन आइडिया की अगर मैं टोटल ओवरऑल बात करूँ तो फिर जितनी भी न्यूज़ थी उसमें 90% न्यूज़ जो है वो फेक न्यूज़ आई थी कि वोडाफोन आइडिया कंपनी बंद होने वाली है, और जितने भी तरीके के आपको न्यूज़ मिले हैं वो पूरी तरीके से गलत न्यूज़ आपको मिली है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है यहाँ पर कि सिर्फ वोडाफोन आइडिया के शेयर कुछ कम हुए थे और वहाँ इसके CEO चेंज हुए थे। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया के जो एक उसमें स्टेटमेंट आया था, कुमार मंगलम बिरला जी ने बोला था कि हम कंपनी को चला पाने में असमर्थ है क्योंकि हमारे पर कर्ज का जो बोझ है वो काफ़ी ज़्यादा है गवर्नमेंट की गलत रिपोर्ट के अनुसार, या तो कंपनी इसे अपने अंडर में ले ले, मतलब कंपनी सरकार इसे खुद चलाए, या फिर हमें उस लोन में हमको कुछ राहत दें। तो सिर्फ कंपनी का इतना सा ही स्टेटमेंट था, इसमें किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात नहीं कही गई थी कि कंपनी को हम बंद कर रहे हैं या कंपनी को हम नहीं चला पा रहे हैं, ऐसी किसी भी तरीके की बातचीत
नहीं हुई थी, ना ही किसी ने ऑफिशियल कहीं से ऐसा अपडेट आया है। तो बाकी की जो भी न्यूज़ आई है वो पूरी तरीके से गलत है। ये मैंने कल का दैनिक भास्कर का पेपर लिया है, इसमें भी यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है। वोडाफोन आइडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से कुमार मंगलम बिरला जी ने इस्तीफा दे दिया है, और यहाँ पर अब वापस से नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हिमांशु कपाड़िया जी को नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है। और यहाँ पर नीचे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये लिखा है कि इन्होंने लिखा है कि कुमार मंगलम 1.8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया को बचाने की आखिरी कोशिश के तहत सरकार से कहा गया है कि कंपनी में अपनी हिस्सेदारी छोड़ने को तैयार है, वह किसी भी सरकारी या घरेलू फाइनेंशियल कंपनी को हिस्सेदारी देने को राजी हैं। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा को लिखे पत्र में उन्होंने कंपनी से नियंत्रण छोड़ने की इच्छा भी जाहिर की थी। इस बीच ब्रिटिश कंपनी वोडाफोन ग्रुप ने दो टूक में कहा है कि वोडाफोन आइडिया में और पूंजी नहीं लगाएगी। इसलिए नहीं लगा पाएगी क्योंकि वोडाफोन आइडिया के ऊपर पहले से ही जो गलत ब्याज लगा हुआ था उसका ऑलरेडी बहुत सारा कर्ज पड़ा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, और आगे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा वोडाफोन आइडिया की नेटवर्क सेटिंग के बारे में। तो यहाँ से आप इस वीडियो को देख के नेटवर्क की सेटिंग को भी कर सकते हैं जिससे कि आपका नेट और फास्ट चलेगा। यहाँ पर आपको नेटवर्क सेटिंग में दो चीज़ें आपको बताई जाएगी जो कि बहुत मेन है। एक तो इसका APN सेटिंग आपको न्यू अपडेट करना है, और डाटा रोमिंग चालू करना है जिससे आपका नेट और भी पहले से काफ़ी तेज़ चलने लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग SP गुप्ता टेक।